लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है, लेकिन एक औरत की तालीम एक मुआशरे और सोसाइटी की तालीम होती है। इसी को फोकस करते हुए बरसों से बज़्म निस्वान के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ चैरिटीज़ के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जहां मिल्ली और समाजी खिदमात में ये इदारा मसरूफ़ है, वहीं बुनियादी तौर पर बिलखसूस तालीम के नाम पर इस्कॉलरशिप के लिए जिस तरह की कुर्बानियाँ हैं और करोड़ों रुपये जो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम के फैलाव के लिए, तालीम के फ़रोग़ के लिए अंजाम दिए जाते हैं, उसी की एक कड़ी के तौर पर आज फिर एक कार्रवाई आज मुनाकिद हुई। इस सिलसिले में रियासत कर्नाटक का एक मारूफ चेहरा मोहतरमा हुसना शरीफ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे कारवान के रूह रवा हैं। जानते हैं कि आज की इस कार्रवाई में क्या इकदाम अपनाए गए और फिर मुस्तकबिल का क्या खाका बनाया गया जो इस सिलसिले में फ़रोग दिए जाने का मंसूबा है। जानते हैं मोहतरमा हुसना शरीफ साहिबा से। जैसा आपसे मैं पहले की, मैं जो है बज़्म-ए-निस्वान में इन्हें 50 साल हो गए। मैं इन 70s का, I'm 76 का। तो माशाल्लाह जब से मैं बज़्म में ज्वाइन हुई, सादत निसा पाई, शी इज़ माई इंस्पायरर। डॉक्टर मुमताज़ अहमद की वालिदा, वो एल्डरली लेडी थी, वो मुझे घर को आके इनका परमिशन लेके लेके गए। तो उसके बाद जब मैं इन्वॉल्व हुई तो आई गॉट इन्वॉल्व कम्प्लीटली। उसके बाद हेल्थ केयर में भी इन्वॉल्व हुई गई, एंड देन मोस्टली एजुकेशन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा। तो बिलखसूस आपका जो ख्वाब है इस्कॉलरशिप के हवाले से, बच्चियों की तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जी मुस्लिम बच्चियों की बिलखसूस तालीम पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्या आउटपुट आया है मैम अब तक? इसका आउटपुट क्या आया है अब तक? पहले जो है हर घर में एक ट्रेंड हो गया था, बच्चा है बेटा है तो मेडिकल को भेज सकते, बेटी को शादी करवा देंगे, मैं इंजीनियरिंग मेडिकल, उनको ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं। जब से मैं बज़्म-ए-निस्वान में जमी तो आई स्टार्टेड मोटिवेटिंग, बच्चों को भेजो, कॉलेज को भेजो, उनको भी बनाओ, वो भी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को बनना चाहिए उनको। देन आई टेक फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम बज़्म, तब बहुत कम बच्चे आते थे तो वो जगह भी बहुत छोटी थी। दैट टाइम आई डिसाइडेड टू शिफ्ट द प्लेस, आई हैड ए बिल्डिंग मेड फॉर दैट पर्पस, मैं जो है वो जगह पे शिफ्ट करता हूँ। क्योंकि एक बहुत बड़ा ख्वाब है तालीम के सिलसिले में, तो कुल बच्चियों को अब तक कितने बच्चियों को अब तक स्कॉलरशिप फराहम की गई होगी अप्रॉक्सीमेटली? इसलिए कि एक बड़ा टारगेट है, एक बड़ा फिगर है जिसका शायद नंबर से याद रखना मुश्किल है। 2006 में मैं स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर वी टुक 200 स्टूडेंट्स, और उनको हम मेडिकल को 15 देते थे और ये इंजीनियरिंग को 15 देते थे, मेडिकल को 25 थे। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड। बाद में जैसा रफ्तार रफ्तार बढ़ते गए तो वी स्टार्टेड, यू गेट ऑल माय आंसर्स हियर। मेरे तरफ से एक ही बात आप सब लोगों को, किसी और से उम्मीद मत कीजिए, सिर्फ अल्लाह की ज़ात से कीजिए। एक अल्लाह को पकड़ लीजिए बस, सारी दुनिया की ज़रूरत नहीं है। दोस्त होते हैं खफा हमसे तो हो जाने दो, खून होता है जिगर गम से तो हो जाने दो, एक वो राज़ी है अगर हमसे तो कोई खौफ नहीं, जंग होती है एक आलम से तो हो जाने दो। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को एक पकड़ लीजिए, जो भी ज़रूरत है आपकी, अल्लाह जो है शाहरख से भी ज़्यादा करीब है। नहनु अखरबू मिन हबलिल वरीद, मैं शाहरख से भी ज़्यादा करीब हूँ, इससे ज़्यादा करीब कोई नहीं हो सकता है, कोई रिश्ता दुनिया का नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह के रिश्ते के। अल्लाह चाहता है कि जो भी मैं से मांगेगा मैं देने तैयार हूँ। वो एक कदम मेरी राह में आया तो मैं 10 कदम आगे बढ़ के उसे रिसीव करता हूँ। इतना इतना मेहरबान है अल्लाह, सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हर कौम से है, सब उसके बंदे ही, कोई माने या ना माने, सारी दुनिया भी अगर अल्लाह को ना माने, मुनकिर हो जाए, पूरी दुनिया भी अगर मुनकिर हो जाए तो अल्लाह की ज़ात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसकी बेनियाजी में, और पूरी दुनिया भी अगर
मुसलमान हो जाएं, अल्लाह को चाहने वाले हो जाएं, तो अल्लाह की शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह बेनियाज है। ये जो दौलत है आप लोगों को हेल्प करके, हम आपके ऊपर कुछ एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप पर एहसान कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई तो है लेने वाला। देने वाले होंगे और लेने वाले नहीं होंगे तो क्या भी फ़ायदा नहीं उसका। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी बेगम को, हमारी बेटी को, हमारी नवासी को। माशाल्लाह तीन जनरेशन यहाँ बैठे हैं, एक जनरेशन घर में है। चार जनरेशन को देखने की नसीब किसे होती है, ज़रा बताइए आप। कितनी बड़ी किस्मत माशाल्लाह, नहीं अल्लाह की कितनी बड़ी देन। ये एक जनरेशन ही देखते नहीं लोग, एक दो तीन सब देने वाले ही। और इससे दौलत कम नहीं होती, बढ़ती है रोज़ाना बढ़ती है माशाल्लाह। 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं हम साल को, 200 करोड़ रुपए टैक्स देते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हुई, और बढ़ाना चाहिए। मेरे तरफ से जो भी खिदमत होगी इंशाल्लाह, मैं तो मान ही क्या, मैं जान देने तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज दानिश एजुकेशनल ट्रस्ट बेंगलोर की जानिब से 1,60,00,000 और कुल मिलाकर 624 बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रोग्राम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी कोशिश हमारे जो बानी हैं मोहतरमा हुस्ना शरीफ साहिबा उनकी तरफ से है। ये शरीफ फैमिली की तरफ से पूरा इसमें ज़कात और नॉन ज़कात दोनों फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी है कि तकरीबन 140 MBBS डॉक्टर्स और 200 से ज़्यादा इंजीनियर्स, 50 से ज़्यादा फार्मेसी के बच्चे, और उसी तरह BAMS, BUMS, वेटरनरी और जर्नलिज़म, BSc कार्डिया केयर, ऐसे पूरे कोर्सेज़ के लिए भी जो है हम लोगों ने आज इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को सेलेक्ट किया है। हमारी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म होती है जो हर साल जनवरी के महीने में हम उसको ओपन करते हैं और एक महीने का टाइम देते हैं। तो सिर्फ पूरे कर्नाटक से ही फॉर्म लेते हैं और जो बजट होता है, लेकिन इस साल का बजट था 1,60,00,000, तो उसमें हम कितने बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं उतने किए हैं। इंशाल्लाह मैम ने अज़म किया है कि अगले साल हम 2 करोड़ का बजट रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि उससे 800 से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएं। हमारी सिलेक्शन कैसे करते हैं बच्चों को, सिलेक्शन पर जाता है आप? जी, एक सिलेक्शन होता है, रैंकिंग अगर उनकी हमारी लिमिट के अंदर है, मसलन जो बच्चे MBBS या मेडिकल का कोई भी कोर्स कर रहे हैं उनका रैंक अगर 500,000 से अंदर है नीट में तो उनका सिलेक्शन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है। उसी तरह इंजीनियरिंग का अगर CET रैंक 1,00,000 से अंदर है तो वो प्रायोरिटी में होता है। बाकी दूसरों के लिए हम उनके मार्क्स देखते हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी देखते हैं। हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन बच्चों ने पढ़ाई के अलावा ऐसे कौन से काम किए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिनको करने से वो एक लीडर बनेंगे। तो हमारी ट्रस्ट का मोटो है क्रिएटिंग टुमारोज लीडर्स। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर या कोई प्रोफेशनल बन जाए, हम चाहते हैं कि वो इस कंट्री की लीडरशिप में आए, वो कौम की लीडरशिप में आए, और वो ये पूरी कोशिश करें कि वो भी आगे चलकर इंशाल्लाह जिस तरह शरीफ फैमिली खिदमत अंजाम दे रही है, वो भी अपने ज़रिए जो है अपने से जो है लाखों बच्चों को पढ़ाए। और हम उम्मीद करते हैं, और इस मरतबा हमें खुशी है कि अच्छे खासे एप्लीकेशन लड़कों के आके हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा समाजी मसला है कि हमारे पास काबिल लड़के नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो मैं इस प्रोग्राम के बाद तमाम वालिदैन से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ जितना आप अपने बच्चियों को पढ़ाने की फ़िक्र करते हैं अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। आज मुस्लिम कम्युनिटी के लड़कों की कमी होने की वजह से जो काबिल हैं, मतलब जो अच्छे पढ़े लिखे हैं, लायक हैं, समझदार हैं, हमारे बहुत सारे मसाले हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को काम पे मत डालो किसी भी हालत में, अपने लड़कों को, खासकर लड़कियाँ तो माशाल्लाह पढ़ लेती हैं, लड़कों को बचाओ, फितनों से बचाओ, ड्रग्स से बचाओ, जो सोशल मीडिया का एडिक्शन है उससे बचाओ। और इंशाल्लाह कौम में आज ऐसे मालदार अभी भी हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कौम इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाए। बज़्म निस्वान में हुस्ना शरीफ मैडम जो एक्टिव हैं बहुत सालों से, तो लड़कियों को काफ़ी स्कॉलरशिप उस इदारे से मिल रही थी। फिर चंद साल पहले, यानी ऑलमोस्ट एक डेकेड से पहले, लड़कों ने भी इसरार किया कि सिर्फ लड़कियों की मदद हो रही है, लड़कों के लिए भी कुछ कीजिए बोल के। तो तब से दानिश प्रोफेशनल स्कॉलरशिप स्टार्ट हुआ,
तो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज में हैं, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, जर्नलिज्म, इस तरह से बीएससी, नर्सिंग, सो ये सारे कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। आफिया अभी परसुइंग बीएससी कार्डियक टेक्नोलॉजी इन जयदेवा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर दिस दानिश ट्रस्ट बिकॉज उनकी वजह से इतने स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो रहा है जिसकी वजह से उन एजुकेशन परस्यू कर रही। सो आई एम रियली ग्रेटफुल, अल्लाह आपको सबको जजाय खैर दे जो इतना एक्सप्लोर कर रही सब बच्चों को। तो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद तंजील, आई एम स्टडिंग BAMS इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। दानिश स्कॉलरशिप आई गॉट टू नो फ्रॉम माई वन ऑफ माई कॉलेग्स। आई अप्लाइड 1 month अगो। 4 days back I got a call, they invite us in their program. Program was very good. I got to know their visions, their work towards the community. So I'm glad they are in negatively people, there are some people who are helping needy people like us. So it's good. Inshallah I will become doctor and also do the same and emulate their actions and give back to their society. मेरा नाम इस्माइल है, इस्माइल बागवान है। जो दानिश के स्कॉलरशिप के बारे में मेरा एक दोस्त के वजह से मुझे पता चला तो मैंने अप्लाई किया तो मुझे 30,000 की स्कॉलरशिप मिली है जिसके ज़रिए मैं कॉलेज का जो भी फीस होगा, मेरा खर्च होगा साल का, वो पूरा इसका इंतज़ाम हो चुका है। जो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ दानिश स्कॉलरशिप और जो मुनीर सर हैं उन्होंने दिया है। मैं फ़िलहाल वक्त BAMS फर्स्ट ईयर में मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा नाम सुफिया कारीगर है और मैं बेलगाम से हूँ। मैं MBBS कर रही हूँ बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में एंड यहाँ पे आज मैं दानिश एजुकेशन ट्रस्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एंड उसके अलावा भी जो वर्ड्स ऑफ विजडम हमें यहाँ सुनने के लिए मिले उसके लिए। एंड यहाँ पे सभी डिग्निटरीज ने हमें मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिली जिससे कैसे शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का हर हाल में एंड फेथ होना चाहिए खुद पे। एंड सोर्सेज तो बहुत सारे होंगी, बस आपको खुद को मेहनत करनी चाहिए तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।